Welcome to Divyanukesha's tutorial. Aaj main sikhaungi two in one matlab pillow cum teddy. Ek teddy lekin wo pillow bhi banta hai aur teddy bhi banta hai. Jaise hum tour mein jaate hain bacche ko haath mein de dijiyega to wo khel sakta hai teddy se aur jab sone ka waqt hai wo usko pillow bana ke so sakte hain. तो चलिए देखते हैं कैसे हम टू इन वन मैं बोलती हूँ पिलो कम टेडी फिर वो टू इन वन है. पिलो कम टेडी बनाने के लिए मुझे चाहिए पैटर्न. ये पिलो कम टेडी का पैटर्न है. कपड़े में चाहिए टेडी बनाने के लिए मुझे फर. ये है मीडियम फर. स्काई कलर का मैं टेडी बना रही हूँ. अच्छा पिलो के लिए लगेगा मुझे ये कपड़ा. नाइलेक्स यूज़ कर सकते हैं या बाज़ार में जो प्रिंट आपको पसंद है बच्चे के लिए वैसे प्रिंट ले सकते हैं. और लगेगा वाइट कारपेट पार्टीशन के लिए. लगेगा कॉटन स्टफिंग के लिए. आइस, ये आइस लगेगा और नोज, दो आइस और नोज. सुई धागा सीजर ये सब तो लगेगा ही. और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ, ये है चेन. ये चेन डबल रनर चेन बोलते हैं हम लोग. दुकान में जाके डबल रनर बोलने से समझ जाएंगे. ध्यान से देखिए, ये जो चेन है दो साइड से खोल सकते हैं. जैसे ऐसे नॉर्मल जो चेन है हम लोग ऐसे खोलते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं. ये दो साइड में भी उल्टा करने से भी इधर खुलता है फिर बंद होता है. यहाँ से भी बंद कर सकते हैं. तो दो साइड सेम है, इसका उल्टा सीधा नहीं है चेन. अच्छा इसका जो रनर है ये डबल रनर है. देखिए ये पीछे भी जा सकते लॉक, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी चल सकता है. ये रनर जो है ये भी अलग तरीका है ऐसे. तो इसका दो साइड ही हम लोग खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं डबल रनर. ये डबल रनर चेन चाहिए पिलो कम टेडी बनाने के लिए. अच्छा टेडी का बॉडी का पार्ट है ये. फर में बनाएंगे तो इसको एरो देना पड़ेगा. तो इसका एरो इधर, टू पार्ट बॉडी साइड. मैं स्काई में बना रही हूँ तो स्काई मीडियम. ये हाथ का पार्ट है हैंड. इसका यहाँ पे एरो है, टू पार्ट हैंड स्काई मीडियम. टू पार्ट हेड बैक स्काई मीडियम. टू पार्ट हेड साइड स्काई मीडियम. टू पार्ट बॉडी फ्रंट पार्ट स्काई मीडियम. ये ईयर्स का पार्ट है, फोर पार्ट. फोर पार्ट ईयर्स टू स्काई मीडियम. टू वाइट कार्पेट. ये पैर का पार्ट है, टू पार्ट लेग स्काई मीडियम.
scale, two part shoes, white carpet. One part snout का part है, ये भी white carpet. अच्छा, ये है, ये जो बड़ा वाला पार्ट लिए है, ये है पिलो का, तो पिलो बनेगा इससे, टू पार्ट पिलो. प्रिंट, जो भी कपड़ा आप लेंगे, मैं प्रिंट कलर का कपड़ा ले रही हूँ, इसलिए मैं प्रिंट ले रही हूँ इसका. और ये है इसका फ्रिल साइड में, ये टेन पार्ट प्रिंट. ये दो पार्ट जो पिलो बनेगा, ये इस कपड़े में काटेंगे. अच्छा, अभी फर, फर का डायरेक्शन मेरी तरफ, पार्ट का डायरेक्शन देखें, ए पार्ट बी पार्ट. बी पार्ट ऐसे करके सारे कटिंग ड्राइंग करके काट लेंगे. ये बॉडी का फ्रंट पार्ट है, ए पार्ट, और टू पार्ट काटे हैं, ए पार्ट बी पार्ट. दो पार्ट एक साथ ज्वाइंट करके यहाँ, सिर्फ यहाँ पे खाली छोड़, स्टिच नहीं होगा यहाँ पे. सिर्फ यहाँ से छोड़ना है. दो पार्ट जॉइंट हो, यहाँ खुला छोड़ना है. यहाँ सिलाई होगा और यहाँ सिलाई होगा. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये पार्ट जॉइंट होगा. वन दो पार्ट है, दो पार्ट जॉइंट होगा इस करके. वन टू, एक साइड इधर और एक साइड इधर. अभी ये है हेड पार्ट, इसका दो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा. इसका मिडिल पार्ट नहीं है, तो ये दो पार्ट जॉइंट होगा. दो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा.
lecture. Here's part 4 hai. To sky me or to part white me. Ek white ke sath sky, ek white ke sath. Aise karke do years banega. Abhi ye jo part hai, ye jo body ka part hai, ये ऐसे जॉइंट करने जॉइंट करके ऐसे हो गया. ये जो पार्ट है ये ऐसे जॉइंट हुआ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पे है थ्री फोर यहाँ पे फाइव ये जो है सिक्स यहाँ तक आएगा. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये छोड़ना है यहाँ पे शूज होगा, ये छोड़ना है यहाँ से यहाँ तक आएगा. यहाँ पे है थ्री में मैं एक पॉइंट करती हूँ. यहाँ पे है फोर, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये नहीं करेंगे. यहाँ पे है फाइव, और ये सिक्स यहाँ तक, ये सिक्स एक साइड. यहाँ पे भी दूसरा साइड सेम थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री पे एक पिन, फोर में एक पिन, फाइव यहाँ तक, सिक्स सिक्स यहाँ पे. ये बॉडी जॉइंट हो गई. अभी यहाँ पे ऐसे करके शूज लगाएंगे. फोर और फाइव, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, एक यहाँ लगाएंगे ऐसे करके फोर फाइव में, और एक इधर ऐसे करके लगाएंगे. अच्छा, अभी हाथ कैसे लगाएंगे? इसका हैंड जो पार्ट है ये एक तरफ छोटा है, एक तरफ बड़ा है. छोटा साइड सामने आएगा, सामने का मतलब इधर. इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा, बड़ा वाला पार्ट पीछे जाएगा. तो इसका आएगा सिक्स, तो सेवन सामने ऐसे करके, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे एट सेवन मिडिल में थ्री, यहाँ पे एट ऐसे करके लगे. ये छोटा पार्ट है, ये है सेवन ये बॉडी के सामने का पार्ट. थ्री मिडिल में यहाँ पे आएगा, और एट ये पीछे वाला पार्ट ऐसे करके लगे. यहाँ पे एक हाथ और यहाँ पे एक हाथ, दो हैंड दो साइड में ऐसे करके. पहले सेवन को पॉइंट कर लेते हैं, सेवन थ्री मिडिल में आएगा, एट फिर इसको ऐसे जॉइंट, यहाँ से
पूरा जॉइंट हो जाएगा। सेवन और एट को एक साथ करना है, बस एक हैंड दूसरा हैंड इधर, छोटा वाला पार्ट सामने, सेवन मिडिल में, थ्री यहाँ पे, एट फिर इसको ऐसे करके यहाँ से पूरा सिलाई हो जाएगा। ऐसे करके बॉडी का पार्ट बनाना है। अभी हेड, हेड का यहाँ पे टू पार्ट ऐसे ऐसे जॉइंट, इसका कान यहाँ से दो उंगली छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आएगा, ईयर्स थोड़ा सा और आएगा यहाँ तक, ईयर्स, और यहाँ मिडिल पार्ट नहीं है तो उंगली छोड़ के यहाँ पे होगा आइस, इसका यहाँ पे दो उंगली छोड़ के ईयर्स लगाएंगे, और टेडी बियर के जैसे बैक पार्ट होगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट का थोड़ा सा सिलाई करेंगे और नहीं पूरा छोड़ देंगे, ये छोड़ना है, ये सिर्फ इतना सा सिलाई, इतना सा, यहाँ के ईयर्स लगाएंगे और इसका स्नाउट पार्ट, ये दो डार्ट सिलाई होगा और इसका मिडिल में पॉइंट होगा, ये पॉइंट जैसे इसको ए बी, इसका मिडिल में आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी बी, और ये डार्ट सिलाई होगा और यहाँ पे होगा नोस। ये दो डार्ट सिलाई होगा, इसका मिडिल ए, यहाँ पे ए और बी यहाँ तक है, ऐसे करके जैसे पहले बार पहला टेडी जो दिखाए टेडी जैसा इसका फेस बनेगा। मैं ये सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद कैसे मैं चैन लगाऊंगी और पिलो बनाऊंगी वो भी दिखाती हूँ। एक बार पिलो का दिखा देते हैं, पिलो जो हैं इसका एक साइड हम मशीन सिलाई कर लेंगे, इतना सा करके ऐसे करके पूरा सिलाई कर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करके रन इस साइड सिलाई करेंगे और इस साइड दूसरा साइड ऐसे रन करके इसको ऐसे इसको ऐसे सीधा सिलाई करेंगे, फिर इसको खींचने से ये थोड़ा ऐसे ऐसे मिल जाएगा। ये दो जो पिलो का पार्ट है सीधा, दो ही सीधा पार्ट अंदर अंदर रखना है इसको, और वो जो फ्रिल है इसको यहाँ ऐसे लगा के अंदर करना है, फिर एक साइड थोड़ा सा खुला रखेंगे उससे सीधा करेंगे, ऐसे करके इसको पूरा सिलाई करना है। ऐसे सीधा सिलाई पूरा जितना फ्रिल है सबको ऐसे करके करके फिर इसको लगाना है चारों तरफ, एकदम चारों तरफ लगाना है जी, ऐसे ऐसे करके सारे फ्रिल एक साथ ऐसे जॉइंट करके फिर उसको सीधा सिलाई करके फिर उसको खींच के उसमें लगाना है, जैसे पिलो बनता है पूरा एक पिलो बनाना। पिलो मैं सिलाई कर लिए हैं, कहीं पे नहीं छोड़े हैं, पूरा ही सिलाई किए हैं, क्योंकि मिडिल से हम काट के इसको सीधा करेंगे।
ये जो चेन है इसको लगाएंगे, तो इसके माप के हिसाब से मैं इसको काटूंगी। एक तो मिडिल इसको मैं सीधा करूंगी। टेडी भी सिलाई किए हैं, टेडी का आइस लगा देंगे। दो उंगली छोड़ के यहाँ पे आइस का पॉइंट करेंगे। थोड़ा कट करके आइस लगाना। ऐसे करके इसको पीछे से यहाँ तक खुला छोड़ना है। सर थोड़ा सा हेड पार्ट में थोड़ा सा सिलाई की है और बॉडी पूरा ही छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे चेन लगाना है इसलिए यहाँ इतना सा खुला छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे। सीधा कर लिए, अभी इसको आइस लगा देंगे, आइस नोस लगा देंगे। यहाँ पे इसका आइस होगा। एक आइस अभी यहाँ पे नोस लगाएंगे। ये पिलो काम टेडी बनाने के लिए कपड़ा, चेन कितना क्या लगेगा, कॉटन कितना लगेगा, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहीं पे आप मिल जाएगा। इसको थोड़ा टाइट करना है नोस को। और यहाँ पे जैसे मैंने पीछे पूरा खोल रखे हैं, और यहाँ से मैं कॉटन के लिए खुला खुला रखे हैं। अभी इसका यहाँ से चेन पहले टेडी में लगाएंगे। थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चेन को कैसे लगाना है ऐसे करके लगाएंगे। इसको उल्टा कर लेते हैं। पूरा चेन पहले यहाँ पे लगाती है,
ये जो पिलो है इसको भी ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर से। पहले टेडी उल्टा कर लीजिए, उसके ऊपर चेन लगाइए, फिर पिलो को भी उल्टा कर लीजिए, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा चेन लगा दीजिए। ये दो साइड में मैंने धागा से अच्छी तरह से लॉक करना है, नहीं तो जिपर निकल जाएगा। इसको ऐसे करके ये है पिलो, पिलो और टेडी दोनों के मिडिल में चेन लगाएं, ऐसे करके दो साइड में अच्छी तरह से स्टिच करना है, नहीं तो ऐसे करके जब हम खोलेंगे जिपर निकल सकते हैं। और ये जो सामने से खुला रखे हैं यहीं से इसको सीधा करेंगे। ये थोड़ा स्टिच मार देते हैं, नहीं तो ये खुलता है, खुल जाएगा। ऐसे इसको सीधा करें। बॉडी फ्रंट पार्ट में जहाँ पे खुला रखे हैं वहीं से इसको, अभी सब जगह सिलाई हो गया, अभी यहाँ से इसको सीधा करना है, इसलिए यहाँ पे खुला रखे थे। ऐसे करके इसको यहाँ से सीधा करना है, अरे पिलो अंदर चला जाएगा। स्टफिंग भी यहाँ से होगा, पहले इसको ठीक ठाक से सीधा कर लेते हैं। पिलो इसको अभी अंदर कर देंगे, टेडी में कॉटन डालेंगे, पहले टेडी में कॉटन डालेंगे। नोज स्नाउट में पहले कॉटन डालेंगे, इसको ऐसे करके सेट कर लेते हैं। ये पिलोकॉम टेडी कैसे लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखिए तो नया वीडियो मिल जाएगा, और ये बना के सबको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो कपड़े लगेगा कार्टून सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले ये नोज़ बनाएं, फिर इसमें कार्टून बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हल्का करके एकदम पैर में डालेंगे। बॉडी में थोड़ा कम डालेंगे।
कटून हर जगह पे कटून होना चाहिए लेकिन हल्का। ये एकदम मलिक अलग तरह का टेडी है, एकदम ही अलग और बहुत ही काम का है। बस और नहीं डालेंगे, अभी इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे सिलाई करके बंद कर देंगे। जैसे ये टेडी बन गया, अभी बच्चे को दीजिएगा वो खेलेगा, लेकिन जब सोने का टाइम है तो इसको पिलो बना दीजिएगा। इसको ऐसे करके पिलो को बाहर करके टेडी पिलो के अंदर चला जाएगा। टेडी अंदर चला जाएगा। ये बन गया पिलो। फिर इसको टेडी बनाना है तो इसको खोलिए, पिलो टेडी के अंदर चला जाएगा। इसको अंदर देके बंद कर दीजिए। ये है पिलो कम टेडी।